फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो फेस पैक है, इसे लगाने से आपके चेहरे की झाइयाँ तो ठीक होगी, साथ में दाग धब्बों की प्रॉब्लम भी ठीक होगी, और आपके कलर को फेयर बनाना चाहते हैं तो ये फेस पैक दोनों काम करेगा। झाइयों को, दाग धब्बों को दूर करने के साथ साथ आपके कलर को फेयर बनाने वाला है। बहुत ही अच्छा नेचुरल फेस पैक है, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन लगाया और उसका रिज़ल्ट तुरंत आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको आपको लगाना पड़ेगा और इसका रिज़ल्ट आप हकीकत में एकदम गारंटी के साथ अगर देखना चाहते हैं तो इसे ट्राई करना पड़ेगा आपको, और धीरे धीरे आपकी झाइयाँ जो है वो लाइट होती जाएगी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स जो है ना, बहुत नेचुरल हैं, और इसे कैसे बनाना है वो भी देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है बेसन। बेसन जो है हमारे चेहरे के दाग धब्बों को दूर करता है, झाइयों को ठीक करता है, कलर को फेयर बनाता है। और फ्रेंड्स, जो ये बेसन है सबके घर में मिल जाता है, तो आपको एक चम्मच बेसन लेना है। बेसन से आपकी झाइयाँ जो है ना वो धीरे धीरे लाइट होती जाएगी। और इसका यूज़ करना मैं आपको बताऊँगी, किस तरह से इस वीडियो में बताऊँगी यूज़ कैसे करना चाहिए। और बेसन को वैसे हम रोज़ करते हैं ना यूज़, तो उससे भी झाइयाँ धीरे धीरे चली जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक चम्मच मुलेठी पाउडर। तो फ्रेंड्स, मुलेठी पाउडर जो है ना वो हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है, दाग धब्बों को दूर करता है, झाइयों को ठीक करता है। तो मुलेठी पाउडर आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा, तो आप मुलेठी को अगर घर पे लाके पीस सकते हैं तो घर पे लाकर पीस लीजिए, नहीं तो आप मार्केट से खरीद लीजिए। और ये मुलेठी पाउडर जो है ना आपकी झाइयों को ठीक करेगा, दाग धब्बों की प्रॉब्लम को ठीक करेगा। तो यहाँ पर मैंने मुलेठी पाउडर और बेसन लिया है। उसके बाद यहाँ मैंने ली है थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी। तो फ्रेंड्स, कस्तूरी हल्दी जो है ना हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छी होती है। कस्तूरी हल्दी लेने के बाद मैं यहाँ पे ऑयल ले रही हूँ, ये है ओलिव ऑयल, और इसकी मैं 4 से 5 बूंद लूँगी। अगर आपके पास ये ऑयल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसकी जगह बादाम का ऑयल भी ले सकते हैं थोड़ा सा। और फ्रेंड्स, ये ऑयल जो है ना हमारे चेहरे की झुर्रियों को ठीक करता है और हमारे कलर को फेयर बनाता है, सॉफ्ट बनाता है हमारी स्किन को। तो फ्रेंड्स, मैंने 4 से 5 बूंद इस ऑयल के लिए है। और अगर आपके पास बादाम का ऑयल भी नहीं है तो इसके अंदर आप 4 से 5 बूंद कोकोनट ऑयल की भी ले सकते हैं। कोकोनट ऑयल भी हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अभी सर्दियों का मौसम है तो अगर आप बादाम का ऑयल, ओलिव ऑयल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैं यहाँ पे दही ले रही हूँ, गाढ़ा दही लिया है। आपको भी गाढ़ा दही लेना है, पतला दही बिल्कुल भी नहीं लेना है। जिस दही में पानी कम हो, पानी ना हो, उस तरह का दही ले सकते हैं, और दही थोड़ा खट्टा है। तो फ्रेंड्स, अच्छे से इसे मिक्स करना है। ये जो फेस पैक है हमारे चेहरे की झाइयाँ जो होती है उसे ठीक करता है, दाग धब्बों की प्रॉब्लम को ठीक करता है, और धूप की वजह से जो टेनिंग होती है उसे भी ठीक करता है, और साथ में हमारे कलर को फेयर बनाता है। बहुत ही अच्छा फेस पैक है, इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट मिक्स करना है। और जब आप अच्छे से मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा फेस पैक बन के रेडी हो चुका है, क्रीम की तरह बना है। तभी मैंने बोला इसके अंदर दही के अंदर पानी नहीं होना चाहिए, गाढ़ा दही लेना है आपको, और ये क्रीम की तरह आपको इसे बना लेना है, बना के अपने फेस पे यूज़ करना है। फ्रेंड्स, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, आपको इसे रोज़ लगाना है अपने चेहरे पे, और रोज़ आप लगाएंगे तो आपको फ़र्क खुद को नज़र आएगा। आप इसे कम से कम 15 दिन तक यूज़ कीजिए, कंटिन्यू रोज़ लगाइए, ताकि आपके चेहरे पे जो झाइयाँ हैं वो लाइट हो जाएं। और जब आप इसे यूज़ करें तो फेस वॉश, साबुन का यूज़ ना करें। तो चलिए फटाफट से इसे पूरे फेस पे लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, इस फेस पैक को लगा के आपको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, और जब 15 मिनट हो जाए तो ये हल्का हल्का सूख जाएगा। और उसके बाद आपको थोड़ा सा अपने हाथों में पानी लेना है और पानी से अपने पूरे चेहरे पे मसाज करनी है, यानी कि थोड़ा सा गीला करना है इस फेस पैक को, उसके बाद पूरे चेहरे पे मसाज करनी है। तो 15 मिनट में ये पूरा नहीं सूख पाएगा, आपको हल्का सा सूखा हुआ दिखाई दे तो आप पानी लें और पानी से अपने पूरे चेहरे पर मसाज करें। जहाँ पर आपके चेहरे पर झाइयाँ हैं वहाँ पर अच्छे से मसाज करें। आपको 1 से 2 मिनट अच्छे से मसाज करनी है, और उसके बाद अपने फेस को ठंडे पानी से धो लेना है। और अभी सर्दी का मौसम है तो आपको गुनगुना पानी लेना है, ना ज़्यादा ठंडा लेना है ना ही गर्म लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लिया है,
और आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो आ चुका है, मेरी स्किन बहुत अच्छी लग रही है, पहले से काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसी तरह से आपके चेहरे पे जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो जाएगी, और आप भी चाहते हैं कि आपके चेहरे पे अच्छा सा निखार आ जाए तो इस फेस पैक को यूज़ करें, और आप चाहते हैं कि आपके चेहरे की झाइयाँ ठीक हो जाएँ तो इसे रोज़ लगाएँ अपने चेहरे पर, ताकि आपको भी अपने चेहरे पर फ़र्क नज़र आए। बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो इसे रोज़ लगाइए, ताकि आपके चेहरे पर जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।